अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना असलम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर स्पाइसी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं लखनऊ दही बड़े। ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स बताते हो रेसिपी कैसी लगती है। चलें चलते हैं रास्ते की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, मैंने एक पाव के करीब बेसन ले लिया। ये हमने दही बड़े बनाने के लिए हमने एक पाव के करीब बेसन ले लिया। एक मैंने धनिया की गड्डी ले ली है, ये पुदीने की गड्डी हमने पूरी ले ली है। एक पाव के करीब मैंने दही ले लिया है। ये एक प्याली से थोड़ा सा कम हमने मिर्च ले लिया है। ये मैंने हरी मिर्ची ले ली है, ये हमने गोल वाली मिर्ची ले ली है। ये दो दट्ठे करीब बस मैंने ये लहसुन के जवे ले लिए। ये हमने जीरा ले लिया दो टीस्पून के करीब, आधा टीस्पून के करीब हमने छुटी हुई मिर्ची ले ली है, आधा टीस्पून के करीब हमने मीठा सोडा ले लिया। देखिए अभी ये मीठा सोडा ये शामिल कर लेंगे आधा टीस्पून के करीब। अब ये जीरा ये शामिल कर लेंगे, थोड़ा सा मैं बता लूँगी। ये कुछ भी मछली ये शामिल कर लेंगे, नमक शामिल कर देते हैं, नमक शामिल कर लेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। समझे कि मैंने एक टीस्पून के करीब लिया है। अब इसमें पानी डाल, अभी हम बेसन अच्छे से घोल लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, हमने बेसन अच्छे से घोल लिया, हमारा ऑयल भी गर्म हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, दही बड़े की है। देखें इसे हम बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह एक साइड पर कलर आ गया, हम इसको टर्न कर लेंगे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। ये मैंने पानी रख लिया, ये देखें ये मैंने सादा पानी है, इसको भर लिया। हम पकोड़े बना के इसमें शिफ्ट कर देंगे पानी के अंदर। माशाल्लाह अच्छे से कलर आ गया है हमारी पकोड़ों में। अब हम इसको निकाल के पानी में डालते जाएंगे। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे बने हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए चाहिए, ये हमने जीरा ले लिया एक टीस्पून के करीब, ये हरी वाली मिर्ची ले लेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैं थोड़ा तीखा बनाऊंगी तो ये काफ़ी रहेगी हरी मिर्ची में। अब ये धनिया और पुदीना ये मैं ग्राइंडर कर लेती हूँ सब चीज़ें, और ये लहसुन के दो जवे ये मिला के मैं ग्राइंडर कर लेती हूँ। ये मैंने पीस लिए, ये चटनी हमने तैयार कर ली है। अब ये मैं दही शामिल कर दूँगी इसके अंदर। ये दूध शामिल कर देंगे। माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसका कलर आया है, देखिए हम मैं इसमें थोड़ा नमक शामिल कर लेंगे हल्का सा, नमक काफी है। अब हम ये पकौड़े हैं, अब इसको आराम से इसे दबा के इसका पानी हम निकाल के इसमें शामिल कर देंगे। इसको
मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, 2 टीस्पून के करीब ऑयल ले लिया हमने। एक गोल वाली मिर्ची ले ली है, शामिल कर देंगे बस काफ़ी है। अब इसमें ये कड़ी पत्ता है, ये शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब जीरा शामिल कर देंगे। ये देखें थोड़ा सा कलर आ जाए हमारा, और ये हम बघार लगा देंगे अपने दही बड़ों को, बस काफ़ी है। देखें ये मैंने डिश आउट कर लिया है, आप लोग देखें इसकी फाइनल लुक कितने अच्छे बने। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट्स बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।